राहु एक ऐसा ग्रह है जो एक्सपांशन का कारक है। कलयुग में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो राहु ड्रिवन करते हैं, लेकिन जब राहु की महादशा आपकी कुंडली में लगती है और राहु की 18 वर्ष की महादशा में आपके जीवन में बड़े चेंजेस होते हैं, ये निश्चित है। लेकिन ये तय करता है कि राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उस हिसाब से उसके फल देता है। कई लोग राहु की महादशा के समय राजा से रंक यानी बहुत अच्छा काम करते हुए एकदम नीचे आ जाते हैं और कई लोग बहुत शिखर पर पहुंच जाते हैं एक छोटे से काम से। लेकिन ऐसा क्या है राहु में जिसके कारण इसकी महादशा इतनी महत्वपूर्ण होती है कुंडली में? तो ये समझ लीजिए कि राहु सिर्फ सर है, राहु के पास दिमाग है लेकिन राहु के पास धड़ नहीं है, यानी आपके पास दिमाग है लेकिन लाइबिलिटी नहीं है। तो आप जो भी काम करेंगे वो बिना सोचे समझे भी हो सकता है या इतना विस्तार हो सकता है उसमें जिसमें कि पूरी तरह से रिस्क है। बाद में कोई चीज कैसे हो रही है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और राहु की महादशा में एग्जैक्टली व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि उसके लिए गए डिसीजन ही उसके जीवन पर भारी पड़ते हैं, लेकिन कई बार यही डिसीजन वो जो लेता है, जो रिस्क लेता है, वो उसके जीवन में उसको शिखर पर भी पहुंचा देती है। इसीलिए राहु की महादशा में लोग बहुत डरते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी भी कर लेते हैं अपने जीवन में जो नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राहु के 18 वर्ष की महादशा में कैसे कैसे फेजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जब राहु की महादशा में गुरु आते हैं तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्थलों की बहुत यात्रा करता है और उसको धर्म के प्रति रुचि होने के साथ साथ ऐसे लोगों से बड़े फायदे भी मिलते हैं। जब राहु शुक्र के साथ कंबाइन करता है महादशा के समय तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में लग्जरी बहुत बढ़ जाती है और उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उनको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया राहु एक्सपांशन का कारक है, ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को भी ड्रिवन करता है। ऐसे समय में यदि आपने टेक्नोलॉजी का और बहुत सारे नेटवर्किंग का, इंटरनेट का बहुत अच्छा उपयोग किया, तो आपके जीवन में आपकी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल ग्रोथ होना बिल्कुल तय है। लेकिन राहु की महादशा के समय लोगों के रिश्ते बहुत बिगड़ते हैं क्योंकि व्यक्ति बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिंग हो जाता है या वैसा व्यवहार करता है ऐसा उन लोगों को लगता है जो उस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जिसकी राहु की महादशा चल रही है। आपके जीवन में भी राहु की महादशा में यदि ऐसे कोई बड़े परिवर्तन आए तो एक बार कमेंट जरूर करके बताइए कि क्या आपका अनुभव रहा है राहु की महादशा में। जब राहु बुध के साथ मिलता है तो ज्योतिष में इसे जड़ दोष कहते हैं और ये जड़ दोष जीवन में बहुत सारे नेगेटिव परिणाम इसलिए लेकर आता है क्योंकि व्यक्ति को उसके हित और अहित की जानकारी समझ ही नहीं आती। उसे पता ही नहीं चलता कि कौन लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं और किनके साथ किस तरह से मुझे काम में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं राहु शनि के साथ आपको जीवन में बहुत सारे कार्य करने की नई उन्नति देता है, यानी नए तरह से आप अपने काम को कैसा करेंगे। शनि लेट गो का कारक है या शनि कर्म फल दाता है, उसी तरह से राहु उन चीजों को पकड़ के रखता है जो आपके जीवन में पिछले समय में भी आई है। पास्ट से रिलेशन बन जाता है आपका राहु और शनि की दशा में। राहु के साथ जब आपके सूर्य की स्थिति बनती है तो एक तरह से ग्रहण दोष होता है और व्यक्ति के मान सम्मान में कमी होने के चांसेस हो जाते हैं उसी के निर्णयों के कारण। लेकिन राहु मंगल के साथ जुड़कर आपको आक्रामक बना देता है। राहु मंगल से जब जुड़ता है तो इसे अंगारक दोष तो कहते हैं लेकिन इसके साथ ही आपके जीवन में पराक्रम में वृद्धि होती है, एक्सपांशन हो जाता है। ऐसे लोग यदि अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर लें, ऊर्जा को सही चैनलाइज कर लें तो ये किसी भी गति से अपने जीवन में वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए राहु की महादशा में डरना नहीं है। राहु की महादशा में आप अति विचारशील हो जाते हैं, आपको सिर्फ विचारों का और सही विचारों का सिलेक्शन करके उन पे इम्प्लीमेंट करना है। इस समय में आपके लिए सबसे अच्छे और सुंदर उपाय क्या हो सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनकी राहु की महादशा चल रही है, राहु का कोई कालखंड चल रहा है, किसी दूसरे ग्रह के साथ राहु के दोष बने हुए हैं, ऐसे सभी व्यक्ति को भगवान विष्णु की बहुत आराधना करनी चाहिए, मछलियों को दाना देना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए, अमावस्या के दिन किसी व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए जो सड़क पर रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कुत्तों की भी बहुत सेवा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में राहु के नकारात्मक परिणाम सकारात्मकता में तो बदलते हैं, आपके डिसीजन सही होते हैं जिससे फाइनल परिणाम आपको अच्छा मिलता है।